वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिना लहसुन प्याज और बिना अंडे के अंडा कड़ी की सब्जी। आइए इसे देखते हैं क्या क्या इसमें सामग्रियाँ लगेंगी। ये है 250 ग्राम छेना पनीर, मैंने जो फाड़े हैं घर में दूध से ही फाड़े हैं। ये है मसाले, काजू है, गरम मसाला, जीरा गोलकी का पाउडर, छोटी सी अदरक और 3 लाल मिर्च, जीरा और तेज़पत्ता, छौंकने के लिए तेल लिए हैं, और ये टमाटर है, और ये थोड़ी सी मैदा। आइए इसे बनाते कैसे हैं हम देखते हैं। सबसे पहले हम इस मैदा को, हल्का सा मैदा इसमें लेंगे हम लोग, ज़्यादा नहीं लेंगे दोस्तों। इसको हम इसमें अच्छी तरह से 5 मिनट तक पूरा, जिस तरह हम आटा गूंथते हैं उस तरह इसको हमको गूंदना है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा, ये मैंने पनीर को गूंध लिया है इस तरह। मैंने मैदा, देख लीजिए जितना कितना मैंने मैदा डाला है, थोड़ा सा सिर्फ इस तरह छिड़क कर हमको पंप से इस तरह मैश करना है, इस तरह आराम से। ये मैं एक हाथ से कर रही हूँ दोस्तों। ये देखिए अब हमारा ये गोली बाइंडिंग होने लगा है, सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट है। ये देखिए अब ये गूंध चुका है। ये देखिए इसमें हम थोड़ा सा इसको अलग निकाल लेते हैं और इसको आधे भाग में इसको इस तरह, ये देखिए इतना इसमें हम थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए इसको हम मैश करते हैं। नमक एक चुटकी, ज़्यादा नहीं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह हम इसको, हल्दी कम लगे तो आप और भी ले सकते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा कितना अच्छा ये सन चुका है पनीर। ये इस तरह, ये देखिए ये हो चुका है। इस तरह का हमको डो बनाना है। हल्दी अच्छी तरह से मिक्स हो जानी चाहिए दोस्तों। ये देखिए हमारा डो ये रेडी हो चुका है। ये देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ाई हुई है, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल भी डाला है। इसमें हम मसाले को भूनेंगे, इसमें काजू और मिर्च इस तरह डालेंगे, जीरा गोलकी का पाउडर ना डालें दोस्तों। इस तरह हमको भूनना है। ये देखिए दोस्तों, ज़्यादा नहीं हमें भूनना है, इसमें हम लोग टमाटर भी ऐड करेंगे। ये देखिए बस ये हो चुका है, तो हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। इस तरह हम इसे निकाल लेंगे और इस तरह हम इसको निकाल कर और मिक्सी में पीस लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरह हम मिक्सी में डालकर इसको पीस लेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने मसाले को पीस लिए हैं और ये हमारी पनीर, इसमें हम ये गोली बना लिए हैं। आप बराबर बराबर गोली बना लें, ये पीले वाले और सादे वाले दोनों बराबर बना लें। इस तरह का गोल करके इसमें आप इसको डालकर इस तरह बैंड करें। मैं एक हाथ से कर रही हूँ दोस्तों। ये इसे अंडा का आकार इस तरह आप दे दीजिए। ये देखिए एक मैंने करके रखा है, इस तरह आप ये सारे कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, मेरे अंडे तैयार हो गए। ये मैंने छोटे साइज के रखे हैं, ये प्योर देसी अंडे हैं। आइए इसे तल लेते हैं। ये देखिए मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं, 2 चम्मच
से 2 से 3 चम्मच तेल है दोस्तों। ये देखिए इस तरह आप जिस तरह अंडे तलते हैं उस तरह आप तल तल कर इसे निकाल लें। ये देखिए दोस्तों इसे तलना बहुत ही आसान है। ये देखिए जिस तरह अंडे हम तलते हैं उस तरह हम इसे तल रहे हैं। ये देखिए इस तरह आप इसे तल के निकाल लें। ये देखिए इसे घुमाते रहें वरना ये जल जाएंगे दोस्तों। ये देखिए हमारा एक अंडा तल चुका है इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देखिए इस तरह हम इसे तल लेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारे अंडा तल चुके हैं। अब मैं कढ़ाई में थोड़ा सा और तेल डालती हूँ। ये पहले से भी तेल है इसमें। ये देखिए अब मैं इसमें जीरा तेज़पत्ता डालूँगी। इसमें मैं मसाले को भूनने वाली हूँ। ये देखिए हल्दी और नमक भी इसमें ऐड करें। हल्दी ये नमक जब तक इसमें ऑयल ना निकलने लगे दोस्तों इस तब तक हमें इसे भूनना है। ये देखिए दोस्तों हमारी मसाला भून चुकी है। इसमें हम थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे। ये देखिए आधा चम्मच ये है बटर है इसको हम इसमें मिक्स करेंगे। इसे हम 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा देखिए आप देख सकते हैं मसाले से इसमें ऑयल निकलने लगे हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। ये देखिए मसाला एकदम महीन पीसना है दोस्तों। ये देखिए इसमें हम अब पानी ऐड करते हैं। 1 गिलास के लिए लगभग पानी है। ये देखिए इसको उबलने दें। जब ये खोलने लगेगा दोस्तों तब मैं इसमें इस अंडे को डालूंगी। ये देखिए दोस्तों हमारी सब ये उबलने लगी है ग्रेवी। अब मैं इसमें अंडे को डाल दूंगी इस तरह। ये देखिए दोस्तों इस तरह इसको 1 मिनट के लिए हम 1 से 2 मिनट पकने दें दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हमारी अंडा कड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही अच्छी दिख रही है दोस्तों। ये देखिए अंडा हमारे फूल भी चुके हैं। ये देखिए बड़े बड़े हो गए हैं। ये देखिए दोस्तों ग्रेवी इस तरह आपको उतारनी है। ये देखिए बहुत ही टेस्टी है। 10 से 15 मिनट में ये बन जाती हैं। ये देखिए दोस्तों ये हमारी अंडा कड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। इसे लाइक करिए शेयर करिए कमेंट करना ना भूलिए। ये बहुत ही टेस्टी डिश है दोस्तों। ओके बाय।